सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाबी खबरों के ताज़ा बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत करते हैं। सब तो पहली खबर आ रही है ब्रैम्पटन के गैस स्टेशन से 21 साल पंजाबी कुड़ी की गोली मार के हत्या की गई है। उस तो पहले वीडियो को लाइक शेयर चैनल में सबसक्राइब करते रहना ताकि महत्वपूर्ण खबरों का बुलेटिन तुहानू जिहड़ा समय सिर मिलता रहे। कनेडा के ब्रैम्पटन तो एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है जिथे गैस स्टेशन से 21 साल पंजाबी कुड़ी की गोली मार के हत्या कर दी गई है। घटना जदों वापरी इसकी पुष्टि होना ही बाकी है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुँच के मुलजमान की भाल शुरू कर दी। मृतक की पछाण भारती वजो हुई है। दसा जा रहा कि गोली मार के मारे गए 21 साल नौजवान की पछाण पवनप्रीत कौर वजो हुई है। घटना कनेडा के ब्रैम्पटन की दसी जा रही है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नकली शराब की विक्री से पंजाब सरकार को झाड़ पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब नकली शराब की विक्री को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लाई है। कोर्ट ने कहा कि जेकर नकली शराब की विक्री पर रोक न लाई गई तो नौजवान खत्म हो जाएंगे। ज़्यादातर गरीब लोग इस तो पीड़ित हैं जो शराब पीते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सूबे वड्डे पद्धर से नजायज़ शराब बनने के विक्री के संबंध में जनहित पटीशन से सुनवाई कर रहा है। इस अहम मुद्दे पर अपनी दलील देते हुए जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि पंजाब की हर गली च एक भट्ठी होंदी है जो कि चिंता का विषय है। उन्हें इस दे नाल ही कहा कि नशे और शराब की समस्या पंजाब का गंभीर मुद्दा बनिया हुआ है। अगली खबर, पंजाब मास्टर प्लान पर काम कर रही है भाजपा। सूबे च एक पासे जिथे भाजपा खुद को मजबूत करने की तैयारियों जुटी है जिस कारण कई आगू को भाजपा सूची अहम जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं, उत्थे दूजे पासे इस सूची को लेकर बगावत शुरू हो गई है। दसिया जा रहा है कि सूची लैके भाजपा के कुछ आगुआ वर्करों से भारी रोस पाया जा रहा है। भाजपा आगू सुखमिंदर पाल सिंह गरेवाल ने अश्विनी शर्मा वालों तैयार की सूची को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहना कि अश्विनी शर्मा वालों तैयार की गई इस सूची अपने चहेतियां रिओड़ियां वंडन पुराने वर्करों की अपमान करने तो इलावा होर कुछ नहीं है। उन्होंने पुराने वर्करों को नज़रअंदाज कर दोष लाया। उन्होंने कहना कि वह इस सूची को नहीं मानते। गरेवाल ने कहा कि अश्विनी शर्मा खुद कुर्सी क्यों नहीं छड़दे कि पंजाब उन्हां तो इलावा कोई होर आगू नहीं है। अगली खबर, KVS 13,000 तो वध वैकेंसी 12वीं पास भी कर सकते अपलाई, 2 लाख तो वध की तनखा। केंद्रीय विद्यालय के 13,000 तो वध असामी लिए भर्ती लई नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस दे विच प्राइमरी अध्यापक DGT PGT ते होर असामी लिए अर्जियां मंगी गई हैं। दिलचस्पी रखने वाले अते योग उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन की अधिकारित वैबसाइट राही ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं। अगली खबर, अकाली दल लई खतरे की घंटी। भारतीय जनता पार्टी लई दहाके अपनी भागीदारी रही। श्रोमणी अकाली दल बादल तो असली पंथक चेहरे खो रही है जिसने शहरों तो बाद हुण पिंडां अंदर भी भाजपा प्रति पॉजिटिव चर्चा छेड़ दिती है। भाजपा वालों जिथे हाल ही दे विच आईयां लिस्टां च सूबे दे कई नामवर सिख चेहरियां नूं थां दिती है, उत्थे पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा दे दोतरे इंजीनियर कंवरजीत सिंह टौड़ा नूं अपनी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दा सूबे प्रधान थाप के सीधे तौर पर छक्का मारिया जिसने पूरे सूबे अंदर नवीं राजसी चर्चा छेड़ दिती है। अगली खबर, सेबां का ट्रक पलटन वाले व्यापारी की मदद लई पंजाब अगे आया। दिता है 9,12,000 का चैक। बीते दिन GT रोड से पेंदे जिले के पिंड राजेंद्रगढ़ नेड़े उड़ीसा नूं जा रहा सेबां का भरिया ट्रक पलटन उपरंत सेबां दीआं पेटियां चुक के लैके जाण दा सोशल मीडिया से वायरल हुई वीडियो के मामले के नवा मोड़ आया जदों दो पंजाबी व्यापारियां पटियाला के राजविंदर सिंह ते मोहाली के गुरप्रीत सिंह ने कश्मीर के व्यापारी मुहम्मद शाहिद नूं दे होए नुकसान पूरा करने 9,12,000 रुपये का चैक दिता। जिला पुलिस मुखी डॉक्टर रवजोत गरेवाल के यत्न सदका हुए इस घटनाक्रम नाल पंजाबी ते पंजाबी दी शाख होर निखर के दुनिया के सामने आई जिस ते कश्मीर के बारामूला के सेबां के व्यापारी नूं इह कहना पिया कि पंजाबी हमेशा लोगों की मदद लई ही जाने जाते हैं। अगली खबर, नवांशहर तो आ रही है। सवेरे तड़के सारा अमृतसर तो चंडीगढ़ जा रही पंजाब रोडवेज की बस पलटन का समाचार मिले। सवारियों तो मिली जानकारी अनुसार सवेरे तड़कसर करीब 6 बजे आसपास पंजाब रोडवेज नवांशहर डिपो की बस PB07CA5458 जो फगवाड़ा बाईपास तो मटियाणा कोल पुजी तो तेज रफ्तार होने कारण पलट गई। अगली खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक होर वड्डा ऐलान किया।
उन्होंने ऐलान किया कि सूबे में जिला तो यूनिवर्सिटी पद्धर से मिलटरी लिटरेचर फैसटिवल की मेजबानी करके इसके दायरे का विस्तार करने का ऐलान किया। इतने मिलटरी लिटरेचर फैसटिवल के सम्मान समारोह की प्रधानगी करदिया मुख्यमंत्री ने हर साल इस वड्डी अकारी समागम के प्रबंध लिए प्रबंधक कमेटी को विधाई दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में सूबा सरकार नौजवानों हथियारबंद सेनावां की अमीर विरासत तो जाणू करवाउण अते उन्हां विच फौज विच भर्ती होण दी भावना पैदा करन लई जिला ते यूनिवर्सिटी पद्धर ते इह मेला करवाएगी। अगली खबर पंजाब दे विच फिर वापरी बेअदबी की घटना। पंजाब के अंदर बेअदबी ने घटनावां रुकण का नाम नहीं लै रही। ताज़ा घटना गुराया के नज़दीकी पिंड मनसरूपुर की दसी जा रही है जिथे गुरु घर की बेअदबी करन दा दोष दो प्रवासी कामें ते लग्या। घटना सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे की दसी जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बेअदबी करने आए दोषियों गुरु घर के ही ग्रंथी साहिब ने सवेरे तड़के 5 बजे देख लिया, जिस तों बाद ग्रंथी ने संगतां के सहयोग नाल दोवें प्रवासी कामें नूं काबू कर लिया गया। बाद विच पुलिस नूं सूचित करके दोषियों नूं पुलिस हवाले कर दिता है। अगली खबर पाकिस्तान नाल वधदे तनाव विचकार तालिबान ने भारत तो मदद मंगी है। 15 अगस्त 2021 जो तालिबान ने काबुल से कब्जा कर लिया तो इसनों अमरीका के नाल नाल भारतीय कूटनीति की हार वजो देखा गया, पर पिछले 15 महीनों में काबुल में कूटनीतिक समीकरण बहुत बदल गए हैं। पाकिस्तान नाल तालिबान के संबंध दिनों दिन तनावपूर्ण होंदे जा रहे हैं, जदों के हाल ही के उत्थों के दूतघर काम कर रहे कूटनीतिक तकनीकी टीम को तालिबान वालों अपील की गई है कि भारत उत्थे अपने लटकरे प्रोजैक्ट शुरू करे। हालांकि भारत उत्थों की स्थिति को देखते हुए प्रोजैक्ट शुरू करने लैके बहुत उत्साहित नहीं है। खबर फरीदकोट तो फरीदकोट के भयानक हादसा वापरिया। फरीदकोट कोटकपुरा रोड से वापरे भयानक हादसे के एक औरत की मौत होने के समाचार मिले, जबकि कई जख्मी होने की खबर है। जानकारी मुताबिक बीती रात हरिंदरा नगर कोल सड़क किनारे खड़ी कार को पिछों आ रही एक तेज़ रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दिती, जिस नाल कार की पिछली सीट पर बैठी एक औरत की गर्दन च कोई तिखी चीज़ लगन कारण उसकी धौन कटी गई तो उसकी मौके पर मौत हो गई। दसिया जा रहा है कि टक्कर कारण कार बुरी तरह नुकसानी गई, अंदर नूं धस गई। इस दौरान बाकी कार सवारां दे गंभीर जख्मी होने बारे पता लग्या। उत्थे ही टक्कर मारन वाले कार सवार दे एयरबैग खुलन कारण उसनूं मामूली सट्टां लगियां हन। जानकारी दिंदे स्थानक वासी अमन वड़ेंगर ने दस्सिया कि परिवार कुछ खरीददारी करन लई फरीदकोट आए हुए सी। इस दौरान उन्होंने कार सड़क किनारे खड़ी कर दिती। अचानक पिछों आई तेज़ रफ्तार कार ने खड़ी कार नूं टक्कर मार दिती, जिस कारण औरत की मौके उत्ते मौत हो गई सी। अगली खबर है शराब पीण तो रोकण दे चाकू नाल वड्या पत्नी दा नक्क, लहू लुहान औरत पहुंची पीके। मुरादाबाद तो एक हैरानीजनक मामला सामने आया। इतने शराब पीण तो मना करन ते गुस्से च आए पति ने चाकू नाल पत्नी दा नक्क वड दिता। हस्पताल च नक्क ते टांके लगन तो बाद पत्नी ने कट कर पुलिस नूं शिकायत की। दोष है कि सहुरे वालों उस नूं दाज लई बहुत तंग करदे सन। इस दौरान उसने अपने पति को शराब छड के धर्मी मार्ग से चलने की सलाह दी। ताजपुर माफी की रहन वाली मनतेश का विआह 12 जून 2016 उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर वासी राज मिस्त्री जोगिंदर नाल होया। दोष है कि विआह के बाद ही सहुरे वाले ताज लई तंग परेशान करते सन। सस संतोष ने अपने पति जीजा राजकुमार नाल मिलकर दाज विच अपने नानके घरों कार टीवी फ्रिज ते कूलर लियाउण लई दबाव पाया। 1 दिसंबर जो पति शराब पी के घर आया तो उसने नशा छड़ के धार्मिक रस्ते चलन की सलाह दी, जिस पर गुस्से च आए पति ने चाकू नाल उसके नक् ते वार कर दिता। कहा कि हुण तू मैनू सिखाएगी। उसके नक् दे विचों खून वगन लग पिया। अगली खबर लुधियाणा तो संगरूर हैलीकॉप्टर ते लाड़ी विआउण पहुंचिया लाड़ा। लुधियाणा का एक मुंडा विआह करवाउण लई हैलीकॉप्टर च बैठ संगरूर के अमरगढ़ पहुंचा। विआह तो बाद दोहां पति पत्नी ने इकट्ठे हैलीकॉप्टर च उड़ान भरी। इस संबंधी गल करदे कुड़ी की माता ललिता कुमारी जोशी ने दसिया कि उन्हां दी कुड़ी निताशा जोशी का विआह लुधियाणा के पिंड खटड़ा वासी वीर मरगेश सिंह भंगू नाल होया। विआह समागम दौरान भालसू रोड ते पैंदे खटड़ा पैलेस च कीता गया। उन्हां दसिया कि उन्हां दे जवाई दा कनेडा च ट्रांसपोर्ट है ते उन्हां दी धी नूं हैलीकॉप्टर ते विआउण आया होया है। अगली खबर रिटायरमेंट तो बाद सरकार हर महीने देगी 18,500 रुपये। रिटायरमेंट तो बाद जीवन चलाने लई पैसे की लोड़ नूं जे सरकार नागरिकां लई
पेंशन स्कीमां ते निवेश योजना चला रही है, जिस नाल 60 साल बाद लोगों को कुछ हद तक लाभ मिलेगा। जेकर तुसी भविख विच पैसे की कमी नूं दूर करना चाहुंदे हो तां इस प्रधानमंत्री व्याह वंदना योजना 26 मई 2020 नूं लागू किया गया, जिस स्कीम दे विच तुसी अपलाई कर सकते हो। सो इह सन अज दीआं मुख खबरां। उम्मीद है कि तुसी वीडियो नूं लाइक शेयर चैनल नूं सबसक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं खबरों के अगले ताज़ा बुलेटिन के साथ। तद तक के लिए सत श्री अकाल, मेहरबानी, धन्यवाद जी।